दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बनी के काफ़ी अमेजिंग कस्टमाइजेशन के बारे में। अब देखो कुछ टाइम पहले मैंने इसका पार्ट वन भी अपलोड किया था जो कि यार काफ़ी अच्छा सेटअप है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जाके वॉच कर लेना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्क्रीन सेटअप डिफरेंट टाइप का है, विजेट भी मैंने काफ़ी अमेजिंग ऐड कर रखी है, वॉलपेपर की क्वालिटी आप देख सकते हो एंड आइकन्स एंड जो विजेट आपको देखने को मिलता है वो सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे ऐड करना है। सभी स्मार्टफोन में इसको आप यूज़ कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को सेटअप को क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक सेटिंग कर लेना। सभी स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, Xiaomi, Redmi, Oppo, Vivo एंड अदर एंड्रॉइड डिवाइस की भी बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे चार आइकन्स को ऐड करना है और बॉटम में आपको जो भी स्पेस देखने को मिलता है उसको खाली रखना है। यहाँ पे चार आइकन को ऐड कर लेना, बॉटम से आइकन को हटा देना। उसके बाद अब देखो पहले बात करते हैं Xiaomi, Redmi, Poco डिवाइस के बारे में। तो HyperOS और MIUI दोनों में डिफरेंट ट्रिक है, तो कैसे यूज़ करना है वो बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं MIUI के बारे में। तो आपको क्या करना है, थीम स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये वाली थीम डाउनलोड करना है। ये वाली थीम ओनली MIUI में अवेलेबल है, तो HyperOS में इसको डाउनलोड मत करना। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना एंड इसको आइकन्स के ऊपर अप्लाई कर देना। अदर एंड्रॉइड डिवाइस में कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखो MIUI में अप्लाई हो गई है, बात करते हैं HyperOS में कैसे अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, थीम स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये वाली थीम डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो एंड यहाँ पे क्रिएटर का नेम देख सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे थीम ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड इसको आइकन्स के ऊपर अप्लाई करना है। HyperOS MIUI दोनों में सेम प्रोसेस है, बस आइकन को चेंज करना मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अदर एंड्रॉइड डिवाइस के बारे में। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है, सर्च बार में आपको डाउनलोड करना है नोवा लॉन्चर, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है नोवा लॉन्चर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में आपको वापस से टाइप करना है रेड आइकन पैक। काफ़ी सारे फ्री आइकन्स देखने को मिलेंगे, जो भी आपको पसंद आता है सिंपल उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करना है जो कि देखने को मिलता है KWGT कस्टम विजिट मेकर। ये वाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर पेड वर्जन में देखने को मिलेगा, बट इसको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री निकाल सकते हो। तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप नोवा लॉन्चर से कंप्लीट सेटअप को कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक डाल दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर जूम इन करना है, देन विजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, कस्टम विजिट आपको देखने को मिलेगा। जो आपने थर्ड वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया है कस्टम विजिट, उसके डाउनलोड करने के बाद ही आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करना एंड इसके साइज को कुछ इतना कर देना, फर्स्ट सेकंड एंड यहाँ पे कुछ इतना कर देना। अब पहले आप होम स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज कर लेना। अब देखो होम स्क्रीन वॉलपेपर के लिए हम ये वाला वॉलपेपर यूज़ करेंगे। इसकी क्वालिटी यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और इसको मैंने खुद से कस्टमाइज कर रखा है, कलर कॉम्बिनेशन भी यार काफ़ी ज़्यादा सुपर है। अब जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसके बाद होम स्क्रीन के ऊपर इसको अप्लाई कर देना। अब जैसे अप्लाई करोगे कुछ इस टाइप का होम स्क्रीन इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपने विजिट को ऐड कर रखा है। अब देखो विजिट को कैसे डाउनलोड करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विजिट का लिंक भी देखने को मिलेगा, टेलीग्राम लिंक है तो ज्वाइन कर लेना। अब देखो आपने यहाँ पे जो विजिट ऐड कर रखी है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद विजिट को डाउनलोड कर लेना, इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना एंड जहाँ पर भी आपने विजिट को सेव कर रखा है बस उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे विजिट फ्रेम के अंदर सेट हो जाएगी। आपको साइज को कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं करना है, ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा है। बस अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ग्लोबल्स वाले ऑप्शन में जाना एंड कलर यहाँ से चेंज नहीं होगा, आइटम वाले ऑप्शन से ही होगा। पेंट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है एंड काफ़ी सारे आपको यहाँ पे टूल्स देखने को मिलते हैं, तो जिसका भी कलर आपको चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करना। पेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट का कलर है, व्हाइट कलर है, इसके ऊपर टैप करके आप डिफरेंट कलर सेट कर देना एंड यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपका होम स्क्रीन सेटअप रेडी हो जाता है। ये सेटअप आप किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में यूज़ कर सकते हो, बस अगर आपके स्मार्टफोन में थीम स्टोर में फ्री आइकन्स अवेलेबल है तो उनको यूज़ कर लेना, नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। एंड Xiaomi, Redmi, Poco स्मार्टफोन में बिल्कुल फ्री में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो होम स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा सुपर है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइज नहीं करेंगे, काफ़ी अमेजिंग आइकन एंड वॉलपेपर भी काफ़ी ज़्यादा सुपर देखने को मिल जाता है। तो ये वाला सेटअप है, ट्राई कर लेना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।